नमस्कार, निधिकर कलाकृति में चलिए आज हम बनाते हैं दाबेली बर्गर। जी हाँ, दाबेली बर्गर जो बच्चे मज़े से खाएं। इसके लिए आपको चाहिए उबले हुए आलू, भुनी हुई और पिसी हुई मूंगफली, दाबेली मसाला, धनिया पत्ती, इमली की चटनी, धनिए की चटनी और बीकानेरी सेव बारीक वाले जो भेलपुरी में डलते हैं। और चाहिएंगे हमें बर्गर बंस। अब बर्गर बंस को पहले आप बीच में से काट के दो स्लाइसेस कर लीजिए, ऊपर का और नीचे का भाग अलग कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालिए और इसमें दाबेली मसाला डाल दीजिए जो आसानी से आपको बाजार में मिल जाता है। अब इस मसाले के अंदर आप उबले हुए मैश्ड आलू डालिए और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ी सी देगी लाल मिर्च। इस मसाले में नमक ऑलरेडी होता है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी इमली की चटनी डालेंगे। इस मसाले को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई और पिसी हुई आपकी मूंगफली भुनी हुई थी उसको डाल दीजिए और अच्छे से इस आलू के पेस्ट को फिर से अब इस आलू के पेस्ट को आप एक प्लेट में फैला लीजिए। इसके ऊपर रोस्टेड मूंगफली डालिए, हरे धनिए की पत्ती डालिए और यहाँ पर मैं पाइनएप्पल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर पाइनएप्पल नहीं है, आप इसमें अनार के दाने डाल सकते हैं, आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं, वो इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दीजिए। ये स्वीट पाइनएप्पल है, ये इसके अंदर एक थोड़ा सा मीठा टैंगी टेस्ट देगा। अब एक पैन गरम कीजिए, उस पर हल्का सा घी डाल के या तेल डाल के इन बर्गर बंस को दोनों तरफ से सेक लीजिए। इन्हें पलट के सेकिए। अब जब ये सिक जाएं, तब इसके एक पोर्शन पे आप इमली की चटनी फैलाइए, दूसरे पोर्शन पे हरे धनिए की चटनी स्प्रेड कीजिए अब ये जो दाबेली मसाले हमने तैयार किया था, इसका एक बड़ा चम्मच भर के इसे भी एक पोर्शन के ऊपर स्प्रेड कीजिए। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, वही क्यूब्स उठा करके रखेंगे पाइनएप्पल के, अनारदाना डाल दीजिए, एक चम्मच ऊपर से आप टैमरिंड सॉस और डालना चाहें और डाल दीजिए और ये बारीक सेव इसके ऊपर फैला दीजिए। हरी धनिया चटनी वाले कवर को कवर कीजिए और प्रेस कीजिए। आपकी मज़ेदार चटपटी स्ट्रीट फूड वाली दाबेली बर्गर तैयार है। शौक से खाइए और खिलाइए। हमारे YouTube चैनल निधिगर कलाकृति को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी ईटिंग। थैंक यू।